गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अ न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स. वन मेथड आई टोल्ड यू अर्लियर इज प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड द सेकेंड मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. क्लास, इन दिस मेथड व्हाट यू हैव टू डू क्लास, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. लेट अस टेक 25. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 25. Then what you will do, you will start subtracting. First you will subtract 1 from 25, the answer you get 24. From 24 you will subtract 3, the odd numbers, consecutive odd numbers. Then you get 21. Then from 21 what you have to subtract? 5. 3 ke baad odd number kya aata hai? 5. 16. 16 mein se 7 minus karenge 9, aur 9 mein se 9 jayega. तो ज़ीरो. इस तरीके से आपने 1, 3, 5, 7, 9. अब ये आपको ज़ीरो कितने स्टेप्स के बाद मिला? 5 स्टेप्स के बाद. इट मीन्स 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. मीन्स 25 का जो अंडर रूट है वो क्या होगा? 5. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. दिस इज 64. तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो सेम वे व्हाट वी विल डू, वी विल वन सब्ट्रैक्ट 1, देन 3, देन 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on. So 63, 63 minus 3, 60, 60 minus 5 is 55. Like this, you get here 0. So after how many steps you get 0? After 8 steps, it means the under root of 64 is 8. But see class, this method is very simple. But there is a limitation of this method. Means, ye method aapka zyada useful nahi hai. Kyun nahi hai class? See, sirf 8 अंड 64 के अंडर रूट में आपका इतना टाइम लग गया, इतना माइनस करना पड़ा. 100 होता तो आपको 10 टाइम्स तक करना पड़ जाता. अगर आपका 400 हो तो सपोज़ आपको यही स्टेप क्लास 20 टाइम्स ये चीज़ करनी होगी. 20 टाइम्स आप माइनस करेंगे. और अगर आपका नंबर और भी बिग हो जाए तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है उसका नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ता ही जाएगा. मीन्स जितना उसका अंडर रूट आना है उतने टाइम्स आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो सपोज़ अगर आपका 40,000 है, आप क्वेश्चन है आपका, तो आपको 200 टाइम्स जो है आपको माइनस शो करना होगा. तो दैट वाज अ वेरी टिपिकल लॉन्ग एंड टाइम वेस्टेज मेथड. तो इसके लिए हम इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. स्मॉल नंबर्स के लिए फिर भी ठीक है, बट फॉर द बिग नंबर द मेथड इज़ यूजलेस. अच्छा वन मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज़ वेरी गुड, बट वॉट आर द डिफिकल्टीज इन दैट मेथड ऑल्सो क्लास? वॉट डिफिकल्टी यू फेस इन दैट? दैट इफ द फैक्टर इज ऑफ प्राइम नंबर देन वी आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज इट ईजीली. मीन्स अगर हमें स्क्वायर नहीं मालूम है और कोई बिग नंबर का अगर वहाँ पे प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे आपका 69 का आ गया था एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 97 का आया था, तो वहाँ क्वेश्चंस में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है. और सेकंड जो है स्मॉल नंबर्स में ही बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं. नंबर आपका जैसे जैसे बिग होता जाएगा तो उनके फैक्टर्स फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और ईजी मेथड है. आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बहुत ही ईजी और बढ़िया मेथड है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जहाँ पर आपको ज़्यादा लर्निंग भी नहीं करनी है, सिर्फ मेथड और स्टेप्स को अच्छे से समझना है कि किस तरीके से आप अंडर रूट उसको फाइंड करेंगे. वहाँ पर आप कितने भी बड़ा नंबर हो आपको वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. लेकिन आपको वहाँ पर उस मेथड में क्लास आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो मैंने जो आपको टेबल बनवाई थी, कौन सी टेबल, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो भी नंबर जिसकी भी यूनिट प्लेस ज़ीरो है उसके स्क्वायर रूट में उसका आंसर क्या आएगा, उसमें जो है ज़ीरो ही होगा. मीन्स अगर आपका नंबर है ज़ीरो तो स्क्वायर में डबल ज़ीरो होगा. अगर आपका नंबर में है आपका 1 और 9 तो आपका उसका स्क्वायर में क्या होगा, 1 होगा. अगर नंबर में आपका 2 या 8 है लास्ट में वंस के डिजिट, तो स्क्वायर में क्या होगा, वहाँ पर 4 होगा. नंबर में अगर आपकी वंस की डिजिट 3 और 7 है तो स्क्वायर की डिजिट क्या होती है, आपकी 9 होती है. और 4 और 6 में सेम वे इस तरीके से आपके पास लास्ट की डिजिट 6 होती है और 5 में 5 होती है. तो ये आपको जनरल मैथ रूल मालूम है कि स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है. इसके अलावा अगर आपके पास डिजिट है
तो वो आपकी जो है वंश की डिजिट आपको पता चल जाती है कि क्या होनी चाहिए। सेम वे तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपका आज लॉन्ग डिवीजन मेथड समझते हैं। हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द अंडर रूट ऑफ 9604 क्लास 9604। वी विल डू सबसे पहले क्लास आपने नंबर लिखा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप इस तरीके से लाइन बनाते थे, वैसे नहीं, यहाँ पर आपको एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और आपको ये नंबर नोट करना है। फिर इसके बाद सबसे पहले जो आप क्लास स्टार्टिंग करेंगे वो आपको इसके ऊपर बार लगाने हैं, इसके जो नंबर के डिजिट्स हैं उनकी आपको पेयरिंग करनी है। अब ये जो नंबर है आपका वो कितनी डिजिट्स का है क्लास? 4 डिजिट्स का नंबर है, तो इसकी पेयरिंग जब आप करेंगे तो ये 4 डिजिट्स का नंबर जो इस पेपर इसके ऊपर 2 बार आएंगे, मीन्स एक बार आपका वंस और टेंस के ऊपर आएगा और एक आपका हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के ऊपर। वंस से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2, जैसे ही आप बार पुट करते हैं क्लास, उससे आपको यहाँ पर एक चीज़ और पता चल जाती है कि ये जो नंबर है आपका इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट्स का होगा? 2 डिजिट्स का होगा। तो क्लास सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिला, आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना है 9604 का, तो आपको दो चीज़ें जो नंबर देखते ही सबसे पहले पता चल गई वो क्या है कि क्योंकि ये नंबर आपका 4 डिजिट्स का है तो इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का होगा? 2 डिजिट्स का होगा। एक तो आपको ये बात पता चल गई, सेकेंडली आपने यहाँ पे क्या एनालाइज किया कि जो वंस के डिजिट है वो 4 है, तो वो कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके लास्ट में स्क्वायर में 4 आ सकता है, ये आप जानते हैं, 2 या 8। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि जो आपके नंबर आंसर की जो वंस के डिजिट होगी वो 2 या 8 में से कोई एक डिजिट होगी। एग्जैक्ट हमें थोड़ा सा करके देखना होगा। इस तरीके से जब आप एक आइडिया लेते हैं तो आपको हिट करने में आसानी होती है क्वेश्चन के लिए। नाउ क्लास, व्हाट आर द स्टेप्स? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड द 2 बार्स, एक बार आपका ये 0 और 4 पर आ गया, एक 9 और 6 पे। एक जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट इसमें लर्न करनी है क्लास, आप अगर आप जितने ज़्यादा स्क्वायर्स आप लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास प्लीज़ जो आप स्क्वायर ऑफ 10 तक के स्क्वायर्स आप ज़रूर लर्न रखिए, मींस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100 तो आपको मालूम ही रहता है। अब ये जो आपका क्लास 96 है, अब आपको ये देखना है 96 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इससे पहले का, जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 96 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है दैट वॉज 81। अब 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो हेयर यू विल राइट 9 एंड हेयर ऑल्सो यू हैव टू राइट 9। ये दोनों नंबर आपके क्लास सेम होंगे और इनका जो स्क्वायर है यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा इससे जस्ट पहले वाला। फिर आपने उसको माइनस किया तो ये आपका क्या आ गया? 15। इसके बाद नेक्स्ट क्लास बहुत ध्यान से सुनिए, आपको ये पूरा जो है पेयर आपको कॉपी करना है, सिर्फ 0 नहीं कॉपी करना है, 0 के साथ 4 भी। आपने पूरा पेयर किया तो अब आपका ये नंबर हो गया 1504। अब आपको यहाँ पर क्या नोट करना है क्लास, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर क्लास बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ध्यान रखिए। जो भी नंबर आपने यहाँ पहले लिखा था, यहाँ पहले आपका क्या लिखा हुआ है? 9, तो 9 का डबल आपको 18 लिखना है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो नंबर नोट करना है वो उसका डबल नोट करना है। तो 9 का डबल क्या है? 18, और 18 के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस लीव करना है एक डिजिट और लिखने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर आप यहाँ पर एक स्पेस बना दीजिए, फिल इन द ब्लैंक, कि आपको एक डिजिट यहाँ पर अभी लिखनी है। तो आपने पहले क्या किया, 9 से 9 को मल्टीप्लाई करके 81 लिखा, 81 माइनस किया तो 15 आ गया, फिर आपने कॉपी किया 04 और फिर आपने 9 का डबल 18 यहाँ पर नोट किया। अब क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे क्लास उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। मींस जैसे अगर सपोज आप यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 181, वो तो बहुत स्मॉल हो जाएगा। सेम वे अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आपको देखेंगे तो 364,
वो भी बहुत स्मॉल नंबर है। इस तरीके से एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखने की क्लास ज़रूरत नहीं है कि आप 3 लिखें फिर 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 4 लिखें 4 से करें। यहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, हम ये देखेंगे कि लास्ट की डिजिट 4 थी तो आपका 2 या 8 आना चाहिए। तो जब आपका 2 से आंसर हिट नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप 8 से करके देख लीजिए और आप देखेंगे कि आपका आंसर एक ही बार में हिट हो गया। तो जैसे ही आपने इसमें यहाँ पर 8 लिखा तो 8 से ही मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया 1504। तो यहाँ पर भी आप 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप 8 लिखेंगे। ये नंबर और ये नंबर सेम था, ये वाला इसका डबल और ये डिजिट सेम रहेगी। तो इस तरीके से जब आप फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ 0 मिलेगा और ये आपका जो है अंडर रूट हो गया। इट मीन्स 9604 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या है 98, मीन्स 98 का स्क्वायर ये नंबर है। एक एग्जांपल क्लास और देखते हैं हम। आपका नंबर है 12544। नाउ सी क्लास, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, लास्ट में 4 है तो स्क्वायर रूट की वंस की डिजिट क्या होगी 2 या 8, यहाँ पर हमें ये फिर से पता चल गया। अब ये आपका 5 डिजिट का नंबर है तो जब आप बार उस पर पुट करेंगे तो वंस और टेंस पर एक बार आ जाएगा, हमेशा वंस से स्टार्ट करेंगे, फिर 100 और थाउजेंड्स पर एक बार आ जाएगा और 10,000 पर आपका सिंगल बार रह जाएगा। तो टोटल आपके कितने बार हैं यहाँ पर 3 बार्स, यानी कि आपका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट्स का होगा 3 डिजिट्स का होगा। अब हम देखते हैं तो 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 का, तो 1 1 ज़ा 1, जब आप माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और फिर आप नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो है मींस एक पेयर आप नोट करेंगे 25। यहाँ पर क्या नोट करना है, 1 का डबल 2 और एक स्पेस आपने लीव की है, फिर क्लियरली 2 1 ज़ा 21 1 ज़ा 21, अब ये 2 ना होके 21 हो गया, 21 1 ज़ा 21, ये डिजिट और ये डिजिट सेम होगी 21 1 ज़ा 21। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट कम्स हेयर 4, फिर आपने क्या नोट किया नेक्स्ट पेयर यानी कि 44 नोट किया। अब 44, अब 11 का डबल 22 और आपने स्पेस लीव करी है, अब 22, अभी यहाँ पे जब आप 2 लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्लास आर, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 444। इस तरीके से आप माइनस करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, तो आपका इसका जो 12,544 किसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 112 क्लास। इस तरीके से क्लास ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट एंड इजी मेथड है। जैसे ही एक बार ये आपका मेथड प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर ये आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो अब आप इन्हीं नंबर्स को प्लीज़ क्लास मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुन के अपने आप से दोबारा से अच्छे से करिएगा, आप क्लियरली आप इनके आंसर्स निकाल लेंगे। होमवर्क में क्लास आपको मैं न्यू क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, आप क्या करेंगे जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उसी क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में अपनी इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे और आप देखेंगे कि क्या आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। कल हम दोबारा से इसी मेथड को फिर से डिस्कस करेंगे और अच्छे से, और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।